तो आपने पॉलर से लेंस नहीं लेने, पूरी स्टोरी जाते हुए फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे ना कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मुझे ब्लर नज़र आ रहा है, तो आप काइंडली चेक करें। हुआ आउटडोर शूट हुआ निकाह का, तब भी मैं अंधी थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो है स्पेशल ब्राइड्स टू बी के लिए। अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आपने अपने बैग के अंदर जो छोटा वो ब्राइडल का क्लच होता है उसके अंदर ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी ये आपने मस्ट रखनी है। सेफ्टी पिन का जो पत्ता होता है वो कोई इतनी जगह नहीं घेरता, तो आपने वो ज़रूर रखना है, क्योंकि समटाइम उठते बैठते अगर दुपट्टे का कुछ खुल गया है, कोई बकल खुल गया, तो आप उस पर जो है वो लगा सके सेफ्टी पिन आराम से। वो आपने एक पत्ता अपने पास ज़रूर रखना है। इसके अलावा आपने जो मेरे साथ हुआ था मैं वो बताऊँगी आपको, आपने कोई एल्फी या पॉलर वाली जिससे भी नेल्स जोड़ रही हैं आपके, आपने उससे कहना है कि ये आप काइंडली मुझे दे दें। अगर ऐसा नहीं भी तो आपने वो घर से लेके जाना है अपने बैग के अंदर रख के, क्योंकि समटाइम ये होता है क्योंकि इतना हैवी हमने ड्रेस पहना हुआ होता है, इतना हैवी, तो वो दुपट्टा या लहंगा कुछ भी सही करते हुए नेल जो है वो टूट जाता है, उतर जाता है ऊपर से। तो आपने यूँ करना है कि आपने नेल्स के लिए कोई ना कोई गम ज़रूर रखनी है, जिससे अगर आपको कोई नेल टूटता भी है तो आप फ़ौरन उसको लगा सकें। और अगर पॉलर वाले से नेल्स ले रहे हैं तो उससे कहें कि हमें एक दो सेम कलर ऊपर लगा के एक्स्ट्रा दे दें, ताकि अगर गुम भी जाए नेल या कुछ ऐसा हो भी जाए तो वो आप इजीली जो है ना ऊपर फिर से उसको अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपने अपने पास जो है वो सन प्लास ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर जूता, क्योंकि हील होती है, पता नहीं किस तरह की हो, अनकंफर्टेबल हो, पीछे से लग रही हो, पाँव को कुछ हो रहा हो, तो आप वो आराम से उसको खोला और पैर पे पीछे चिपका दिया, ठीक है, जहाँ पे भी आपको कुछ भी मसला कर रही है हील या कहीं भी, तो आपने सन प्लास ज़रूर रखना है अपने बैग में, ठीक है। एक ये हो गया, बकल आपने ज़रूर रखना है, सन प्लास ज़रूर रखना है, और आपने सेफ्टी पिन्स मस्ट रखनी है, और दूसरा आपने पेन किलर, कोई भी पेन किलर जो आप खाते हो, पेनाडॉल है, कुछ भी है, जो भी आप लेते हो, कोई निम्स की टैबलेट है, तो वो आपने मस्ट अपने बैग में एक छोटा 3-4 गोलियां इनफ है मेरे ख्याल में, वो आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि इतना डिप्रेशन होता है उस टाइम पे, इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम समटाइम इतना वो थक जाते हैं बैठ बैठ के, समटाइम कंधे लटक जाते हैं इतना हैवी ड्रेस पहन पहन के। तो अगर कुछ ऐसा आपको फील आ रहा हो तो आप आराम से ब्राइडल रूम में बैठ के खाना खाएं, खाना खा के आप आराम से जो है ना वो गोलियां एक आध खा सकते हैं, उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। दूसरा ये पता नहीं कौन सा टिप है, लेकिन फिर भी मैं दूसरी बात कहती जा रही हूँ। ओके जी, उसके बाद ये कि आपने फ़ोटोग्राफ़र को कोई जल्दी नहीं मचानी, आराम से आपने फ़ोटोशूट करवाना है, क्योंकि आई बिलीव कि यही एक चीज़ होती है जो हम हमेशा हमारे पास रहती है, हमेशा हम कहते हैं कि ये हमारी मेमोरी है, तो आपने वहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, आपने अच्छे से जो है ना वो ब्राइडल शूट अपना करवाना है, पूरा ब्राइडल शूट करवाना है उससे, बल्कि खुद बताएं यहाँ से यूँ करना है, हमने यहाँ से यूँ करना है, तो वो शर्माने शुरू होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फ़ोटोशूट आपने अच्छे से करवाना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके बैग के अंदर छोटे पाउच के अंदर होनी चाहिए वो लेंस का सल्यूशन ज़रूर होना चाहिए, और लेंस की जो छोटी वो पैकिंग होती है, डिब्बी होती है, वो भी आपके पास मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा निकाह हुआ था तब मैं निकाह पे जब मैंने अपने लेंस जो है वो सैलून से लगवाए थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि जो मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं आप वो लगा दें मुझे, उन्हें लगा दिए। उस टाइम मैंने उन्हें कहा भी कि मुझे ना हर चीज़ ब्लर नज़र आ रही है, मुझे मैं अंधी लग रही हूँ अपने आप को, मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ब्लर नज़र आ रहा है हर चीज़, तो आप देखेंगे लेंस को क्या मसला है। तो उसने कहा कि अभी अभी न्यू लेंस है तो इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा ना आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। हेयर मेकअप मूकअप हुआ, हेयर स्टाइल बना, जाते हुए फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे ना कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मुझे ब्लर नज़र आ रहा है, तो आप काइंडली चेक करें। उसने कहा अच्छा, तो आई लैशेज लगी हुई हैं, ये वो आपका ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े देर बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
मैंने कहा ओके। मेरा शूट हुआ, आउटडोर शूट हुआ निकाह का, तब भी मैं अंधी थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लिटरली मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लाइक हर चीज़ ब्लर ब्लर नज़र आ रही थी वो, क्योंकि फिर मैं जिस चीज़ को देखती थी मैं उस पर बहुत फोकस करके देखती थी कि अच्छा ये, अच्छा अच्छा ये ऐसे। तो फिर उससे क्या हुआ, मैं नज़र लगा के उस चीज़ को देख रही थी, जोर डाल रही थी नज़र पे, उससे मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गई शदीद किस्म की। और पूरा फंक्शन मैं साइन कर रही थी निकाह पे, अपने निकाहनामे पे अंधी हुई बैठी हुई हूँ, कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। और मैं कज़न्स को सबको कह भी रही हूँ कि यार मैं अंधी हुई हुई हूँ, मैं फ्रेंड्स को अंधी हुई, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह माफ़ करे, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उतारूँ भी कोई ना कि फ़ैशन ख़राब हो जाएगा, तो ये भी मसला था। फिर अब जब फंक्शन ख़त्म हुआ, गाड़ी में बैठने लगे, तब भी मेरे पास कोई वो डिब्बी नहीं थी कि मैं फ़ौरन से उतार के उसको अंदर रख सकूँ, वो भी मसला था। फिर अंधा सारा रास्ता घर आई हूँ, फिर आके घर से कोई ढूंढ के पुराने वाले लेंस उसके अंदर मैंने उतार के रखे और सुकून का सांस लिया। तो आपने पॉलर से लेंस नहीं लेने, पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद ही मेरा ये है कि आपने पॉलर से लेंस नहीं उठाने, आपने खुद बाय करने हैं लेंस, और उसको खुद बाय करके उसको 3-4 बार घर लगा के देखने हैं आपने। 2-3 बार आप लगाएंगे लेंस ठीक हो जाएंगे, ऑल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो पता है, आपको पता होगा कि आपने किस कंपनी के लिए हैं, कितने के लिए हैं, अच्छे वाले हैं बुरे वाले हैं, वो आपको सारा खुद पता होगा। तो मैंने अपनी शादी पे ऐसे किया था, मैंने अपनी शादी पे पहले से लेके रख लिए थे, मैंने पॉलर वाली से नहीं कहा कि मुझे लेंस लगा दो तुम, ठीक है, क्योंकि लेंस तो हमने लगाने होते हैं, फैशन तो फिर पूरा करना ही होता है ऐसा कुड़िया ने। तो आपने लेंस जो है वो पहले से लेके रखने हैं। फिर मैंने शादी पे पहले से लेके रखे थे, मैंने 2 लिए थे कि मैं 3 दिन ये चला लूँगी दोनों लेंस, तो मैंने वो अच्छे से लगा के उनको कर लिया हुआ था कि अब ठीक है ये। तो फिर मैं सॉल्यूशन भी मेरे पास था कि अगर मुझे इरिटेशन हो या कुछ भी हो तो मैं आई ड्रॉप जो है वो लेंस में डाल लूँ, डिब्बी भी मेरे पास थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने खुद लिए हुए थे तो मुझे ऐसे कोई मसला नहीं हुआ, मैं सारे फंक्शन जो है आपने आराम से इंजॉय किए थे। आपने एक और काम करना है, आपने यूँ करना है कि आपने क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको गिफ्ट्स कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो अनस्टिच आपको दे देते हैं कपड़े, लेकिन मुझे जो है वो कुर्ते सिर्फ ज़्यादातर लोगों ने दिए थे। तो फिर मैंने क्या किया था, उन कुर्तों के साथ मैंने हर कुर्ते के साथ तो मैच नहीं करने पड़ सकती ना, मतलब करने नहीं चल पड़ते ना कि इसके साथ ट्राउज़र मैच कर दो, इसके साथ ये मैच कर लो। तो आपने एक वाइट, एक हाफ वाइट और एक ब्लैक कलर की शलवारें या ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र, जो भी आप कैप्री कुछ भी आप पहनते हो, आपने ये 3 कलर्स में ज़रूर अपने पास पहले से रखनी है, ताकि जब भी कोई भी शर्ट होती है तो आप फ़ौरन से उसको उठाओ और उसके नीचे पहनो और इजी हो जाओ। और दुपट्टे भी वाइट एंड ब्लैक दुपट्टा, ये भी आपने एक अच्छा सा लेसन उससे लगा के दुपट्टा आपने अपने पास रख लेने हैं, वाइट और ब्लैक दुपट्टा, ये भी आपने साथ ज़रूर मस्त लेके जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, और एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ, जब झुमके पहना रही थी मुझे वो पॉलर वाली, उन्होंने मेरी टाप से पीछे वाली कोली सट दी, हाय हाय, ढूंढती भी रही कि कितने गई कोली, कितने गई कितने गई, लबो लबो लबो, पर वो नहीं मिली। अब उसको नहीं मिली थी, लेकिन उसने मुझे कहा मिल गई है और मैंने पीछे सेट कर दिया है पीछे, क्योंकि वो यूँ लंबे वाला भी था कि जो अटैच हो जाता है झुमका, जिससे कोली हम एक्स्ट्रा में लगाते हैं ताकि वो फिर ज़रा फिक्स पक्के वाला काम हो जाए। अब उसने मुझे ये कहा कि मैंने सेट कर दिया ना, मतलब पीछे लगा दिया। मैंने उसे बार बार कहा, मैंने कहा कि प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आपने पीछे ज़रूर वो अटैच करनी है ताकि मेरा झुमका गिरे ना। अच्छा, अब उसने मुझे ये कहा कि मैंने लगा दिया पीछे, ऑल सेट है, मैंने कहा ओके। अच्छा, पूरा फंक्शन जो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। सबसे पहले मेरा सोलो शूट हुआ, सोलो शूट के बाद पूरी बारात हुई, सारी रस्में वगैरह, फिर रुखसती हुई, रुखसती के बाद फिर जब हमने कपल शूट के लिए जाना था, तो तब वहाँ पे मुझे फोटोग्राफर ने कहा कि बाजी ताड़ा कांटा कोई नहीं, मैंने कहा है कांटा कोई नहीं, मैंने यूँ देखा, वो वाक्य ही नहीं था। और उफ अल्लाह, मुझे तो बुरा भी बहुत लगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ब्राइडल सेट बहुत महंगे होते हैं, बेशक आर्टिफिशियल था लेकिन ब्राइडल सेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के वो मैंने लिया था और महंगे भी थे, और अब वो पूरा सेट मेरा बर्बाद है। लाइक एक वो मैंने लॉकेट का, अब एक झुमके का या एक टिक्के का मैंने हाल ही क्या करना है पहन के, मेरे लिए तो वो वेस्ट है। अब वो मेरा नहीं था वहाँ पे,
तो प्लीज़ आप ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखें, कोई एक आध गोलियां भी बिच पा लवे हो अपने क्लच में, ठीक है। अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगी आपकी, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़ें हैं ये, इनके बगैर शादी इम्पॉसिबल है। तो ये छोटे छोटे से ब्लंडर होते रहते हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने अपनी शादी पे, बहुत सारी, कि मुझे कब क्या क्या, इवन कि मैंने जो छोटे वाला कैरी होता है जो साथ लेके जाते हैं ब्राइडल्स के, जो साथ जाता है, मैंने उस पर भी वीडियोस निकाल के देखी थी कि भाई वो उसमें क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए क्या क्या नहीं। कज़न से भी पूछा, सबसे पूछा, लेकिन मैंने अलग से वीडियोस भी देखी तो कि उसमें भी क्या क्या रखना है मुझे, तो वो सारी चीज़ें करके भी ये हो गया था। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि अगर कोई और जिनकी शादी होने वाली है तो उनके साथ ये चीज़ें ना हो। तो और इसके अलावा कोई ट्रिप रह तो नहीं गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई और ट्रिप रह गया। तो अगर कोई रह भी गया तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। और इसके बाद मैं अपना आपके साथ बहुत अफोर्डेबल मेकअप शेयर करूंगी, क्योंकि शादी पे इतने सारे खर्चे चल रहे होते हैं, इतने सारे खर्चे चल रहे होते हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रही होती क्या कब कहाँ है, इतने लग भी गए। तो मेकअप अच्छा हो, अफोर्डेबल हो, ये नहीं कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव ले लें। तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, अच्छा सा मेकअप किट वो भी शेयर करूँगी। टिल देन, न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।